मैं के मीणा से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, जिसमें आज हम देखेंगे अमेरिका संविधान, अमेरिका का संविधान की प्रकृति या अमेरिका के संविधान की मूलभूत विशेषताएं क्या हैं। अमेरिका का संविधान एक लंबे संघर्ष का इतिहास है। लगभग 150 वर्ष के संघर्ष के बाद में 1787 में अमेरिका का जो संविधान बना वो एक लंबे संघर्ष के बाद में अस्तित्व में आया। अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान माना जाता है। अमेरिका के संविधान की जो मूलभूत विशेषता है वो है ये एक निर्मित संविधान है। अभी तक हमने ब्रिटिश संविधान के बारे में पढ़ा था कि वह एक विकसित संविधान है, लेकिन अमेरिका का संविधान दुनिया का पहला निर्मित संविधान माना जाता है। इसका निर्माण 1787 में फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में इसको बनाया था। इसलिए एक संविधान सभा के द्वारा बनाया हुआ ये संविधान माना जाता है। इसके अतिरिक्त ये लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान है। इसे डॉक्यूमेंट के रूप में लिखा गया है और ये ऐसा संविधान है जिसको हम लिखित रूप में देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो अन्य देशों के संविधान हैं वो बड़े हैं, लेकिन अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान माना जाता है, क्योंकि इसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं, 40 शब्द हैं, 10 या 12 पेजों में लिखा हुआ है और आधे घंटे में ये पढ़ा जा सकता है। इसलिए ये दुनिया का सबसे संक्षिप्त संविधान माना जाता है। जनप्रभुता पर आधारित अमेरिका का संविधान लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है, अर्थात प्रशासन की जो अंतिम शक्ति दी गई है वो जनता को दी गई है, इसलिए जनप्रभुता पर आधारित संविधान माना जाता है। संविधान की सर्वोच्चता, यहाँ पर शासन शक्ति संविधान या कानून को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शासन के अंग, वहाँ का राष्ट्रपति, सब प्रशासनिक व्यवस्था संविधान के नियंत्रण में है। शासन का संचालन संविधान में वर्णित विधि के अनुसार किया जाता है, इसलिए ये यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। न्यायपालिका जो निर्णय देती है वो भी संविधान के रक्षण के रूप में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार करती है। ये कठोर संविधान है। संविधान संशोधन की दृष्टि से या तो संविधान लचीले होते हैं या कठोर होते हैं। तो इस दृष्टि से अगर अमेरिका के संविधान को देखा जाए तो ये दुनिया का कठोरतम संविधान माना जाता है, क्योंकि इसमें संशोधन आसानी से नहीं किए जा सकते हैं। इसमें संशोधन के दो चरण हैं। संशोधन की प्रस्तावना दो तरीके से की जाती है, एक तो कांग्रेस के 2/3 बहुमत के साथ और दूसरा राज्यों की विधान मंडलों के 2/3 बहुमत से प्रस्तावना प्रस्तावित की जाती है, और संविधान की प्रस्तावना की पुष्टिकरण के लिए 3/4 राज्य विधान मंडल या 3/4 सम्मेलन जो संविधान में संशोधन के लिए आमंत्रित किए जाते हैं उनके द्वारा उसकी पुष्टि की जानी चाहिए। इस प्रकार एक जटिल प्रक्रिया अपनाई गई है संशोधन की, इसलिए दुनिया का सबसे कठोर संविधान माना जाता है। और यही कारण है कि आज तक संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल 50-51 संशोधन
हो पाए हैं, जिसमें प्रथम 10 संशोधन तो संविधान जब लागू हुआ उसके तुरंत बाद ही मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कर दिए गए थे। गणतंत्र की स्थापना, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक गणतंत्र राज्य की स्थापना करता है, क्योंकि यहाँ का जो राज्य का प्रधान होता है या राष्ट्र का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, उसका चुनाव प्रत्यक्ष तय जनता के द्वारा किया जाता है। इसलिए यहाँ पर जैसे ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है क्योंकि वहाँ का राजा वंशानुगत होता है, जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति जो राष्ट्र का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है उसका निर्वाचन जनता करती है। इसलिए अमेरिका का संविधान गणतंत्रीय शासन प्रणाली पर आधारित संविधान माना जाता है। प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र, अमेरिका के का संविधान प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र के आधार पर आधारित है। यहाँ की शासन सत्ता का संचालन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र शासन प्रणाली को नहीं अपनाया गया है और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वो प्रतिनिधि शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। इसलिए यह प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र पर आधारित संविधान माना जाता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है संघात्मक शासन व्यवस्था, शक्ति विभाजन के आधार पर शासन व्यवस्था या तो एकात्मक हो सकती है जैसे ब्रिटेन में है, या फिर संघात्मक हो सकती है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अमेरिका संघीय शासन व्यवस्थाओं का पिता माना जाता है। यहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था के सभी लक्षण जैसे शक्तियों का विभाजन करना और संप्रभुता का विभाजन यहाँ पर कर दिया गया है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपना लिया गया है, दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन का सिद्धांत देखने को मिलता है। यहाँ पर दोहरी शासन व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। नागरिकों को दो प्रकार की नागरिकताएँ प्राप्त हैं। संविधान की संघीय व्यवस्था की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका को सर्वोच्चता का सिद्धांत को अपनाया गया है और द्वितीय सदन व अर्थात वहाँ की सीनेट में सभी राज्यों को संघीय शासन व्यवस्था होने के कारण समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार वहाँ की शासन व्यवस्था शक्ति विभाजन के आधार पर संघात्मक शासन व्यवस्था पर आधारित शासन व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की शक्ति विभाजन के आधार पर या संबंधों के आधार पर शासन व्यवस्था या तो संसदीय होती है या अध्यक्षीय। इस दृष्टि से देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है पूर्णतः अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पर कार्यपालिका के दो प्रधान नहीं होते हैं। जैसे संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, एक नाम मात्र का दूसरा वास्तविक, तो यहाँ पर कार्यपालिका का एक ही प्रधान है। कार्यपालिका में नाम मात्र, वास्तविक कार्यपालिका में किसी प्रकार का भेद नहीं है। यहाँ की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में कोई संबंध नहीं है। कार्यपालिका का कार्यकाल अलग है, कार्य अलग है, व्यवस्थापिका का कार्य अलग है, इस प्रकार किसी भी प्रकार का संबंध देखने को नहीं मिलता है। तीसरी जो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के अनुरूप यहाँ की कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित है। वहाँ का राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्ष के लिए होता है। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर इसको किसी भी समय पहले कभी भी नहीं हटाया जा सकता है। हालांकि महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन ये बहुत जटिल प्रक्रिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में आज तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया, क्योंकि वहाँ का संविधान शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होने के कारण यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। दोहरे नागरिकता, एक ही व्यक्ति को केंद्र की नागरिकता और वहाँ के प्रांतों की दो प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। संघीय शासन व्यवस्था होने के कारण ये व्यवस्था की गई कि नागरिकता का दोहरा स्वरूप अपनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो विशेषता है द्वितीय शासन पद्धति, संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रिटेन के समान द्वितीय शासन व्यवस्था है। दो दल वहाँ प्रचलित हैं, एक तो डेमोक्रेटिक दल, दूसरा रिपब्लिक दल। ये दो दलों को संविधानिक मान्यता प्राप्त है, इसलिए द्वितीय शासन व्यवस्था पर आधारित संविधान अमेरिका का संविधान माना जाता है। व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित, अमेरिका का संविधान
शासन व्यवस्था के संचालन में मूल रूप में व्यक्ति को प्रधानता दी गई है। व्यक्ति की स्वतंत्रता है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। प्रशासन का मूल उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होने के कारण व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित संविधान इसे माना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रणालियों का उल्लेख संविधान में नहीं किया है। जानबूझकर संविधान निर्माता इसको संविधान के भविष्य पर छोड़ना चाहते थे, इसलिए संविधान छोटा बनाया और छोटा होने के कारण जो मूलभूत प्रशासनिक प्रक्रिया है उसका उल्लेख संविधान में नहीं है, प्रशासनिक प्रक्रिया में उसको छोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार वहाँ का जो संविधान है कि जो नेस्ट प्रकृति या विशेषता मानी जाती है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर संपूर्ण संविधान आधारित है, वो है शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित शासन व्यवस्था। यहाँ पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत देखने को मिलता है। अमेरिका का संविधान को बनाते समय ये एक बहुत बड़ी समस्या थी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा कैसे की जाए और सत्ता की स्थापना कैसे की जाए। शक्ति और स्वतंत्रता दोनों में तादात्म्य स्थापित करने के लिए वहाँ पर का जो संविधान है उसको शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित बनाया और शासक सरकार के जो तीनों अंग हैं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, उसको शक्ति पृथक्करण के आधार पर अलग अलग कर दिया गया। तीनों का चुनाव अलग अलग होता है, एक दूसरे को किसी रूप में प्रभावित नहीं कर सकती है। संविधान की पहले अनुच्छेद में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापन संबंधी शक्ति वहाँ की कांग्रेस में नियत होंगी। अनुच्छेद दो में कहा गया कि कार्यपालिका संबंधी शक्ति वहाँ के राष्ट्रपति में नियत होंगी और अनुच्छेद तीन में कहा गया कि संविधान की न्यायिक शक्ति वहाँ की सर्वोच्च न्यायालय में निर्मित होगी। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है, जिसकी व्याख्या हम कल करेंगे। धन्यवाद।